माटीकला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रहलाद टाक ने कहा कि 7 बोर्ड में से 5 बोर्डों का अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के लोगों को बनाया गया है, जिससे ओबीसी वर्ग को सम्मान मिला है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में जो बोर्डों के अध्यक्ष थे उन्होंने काम नहीं किया था। प्रहलाद टाक ने यह बात सीकर के कुमावत छात्रावास में मीडिया से वार्ता करते हुए कही। प्रहलाद टाक आज सीकर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। कुमावत समाज के पदाधिकारियों ने नवलगढ़ रोड स्थित कुमावत छात्रावास में माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष का स्वागत किया। प्रहलाद टाक ने कहा कि प्रदेश में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हर बार बोर्डों के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। कोई अध्यक्ष पहले नियुक्त कर लेता है तो कोई बाद में, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि विभिन्न वर्गों को साधने के लिए लोकसभा चुनाव के नजदीक भजनलाल सरकार ने बोर्डों के अध्यक्षों को नियुक्त किया है। सभी की अपनी अपनी सोच होती है। प्रहलाद टाक ने कहा कि प्रदेश में 36 बिरादरी के लोग माटी कला का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता या काम में दुर्घटना के दौरान बीमा नहीं मिलता। प्रदेश की सरकार अब माटी का काम करने वाले कारीगरों के लिए काम करेगी। माटी कला को लुप्त नहीं होने दिया जाएगा। माटी का काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुमावत छात्रावास ट्रस्ट अध्यक्ष राधेश्याम काम्या, पूर्व पार्षद मनोहर चतेरा, नितेश पारमुवाल, रामोतार जलिंद्रा, सीताराम घोड़ीवाल, रामस्वरूप जलिंद्रा, राजेश चतेरा, चिरंजीलाल, सूरजमल भुवालिया, राजेंद्र पारमुवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे। बोर्ड के अंदर जो पहले तो मैं यहाँ पधारने के बाद में यहाँ जो छात्रावास समिति है इन्होंने जो स्वागत किया उसके लिए इनका आभार धन्यवाद, और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान के हमारे भजनलाल जी का और सीपी जोशी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस बार इस सरकार के अंदर सबको साथ लेके चलने का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत 7 बोर्डों का गठन अभी सरकार बनते ही कर दिया, और उस 7 बोर्डों में भी 5 आयोग और बोर्ड जो नियुक्त किए हैं वो ओबीसी के हैं, और इतना बड़ा सम्मान ओबीसी को देने के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं मैं इस आपके चैनल के माध्यम से। सर, लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है बोर्डों का गठन मतदाताओं को डुबाने के लिए किया गया है, मौके पर कास्टों को साधने के लिए किया गया है, क्या कहें? ऐसा है कि ये अपने अपने कयास लगाएंगे, हर आदमी अपने अपने स्तर पर व्याख्या करेगा, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि ये सम्मान और ये जो मूल ओबीसी के जो व्यक्तियों को जो है भी कुछ रह जाता है, ये बोर्ड मूल ओबीसी के जैसे माटी कला बोर्ड हो गया, अपना शिल्प कला बोर्ड हो गया, राम गोपाल जी सुधार को बनाया है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का बनाया है, और ये गठन जो किया गया है ये जो सरकार ने अच्छी तरह से देखभाल करके काम करने के लिए बनाया, बाद में भी बनाने होते हैं, सारी सरकारें आज तक बनी है सब ने 6 महीने पहले 1 साल पहले बोर्डों का गठन करते थे जिससे वो काम नहीं कर पा रहे थे। मेरा ये मानना है कि लोकसभा चुनाव की बजाय भजनलाल जी ने अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो बीच में जो बोर्डों का गठन सरकार के साथ मिलके सरकार के काम कर सकें, लोगों के काम कर सकें, इसके लिए गठन किया है। सर, कहीं ना कहीं माटी कला जो आजकल लुप्त होती जा रही है उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके, फिर से वो उभर के सामने? माटी कला लुप्त नहीं हो रही है, ये माटी कला के अंदर तो जो ये है पर्यावरण की जो दृष्टि से, और जो हम कहते हैं ना जिसको क्या कहते हैं जैसे बिना खाद पानी के जो बातें होती है उस तरीके से, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है, और इसके तहत आज तक इस क्षेत्र में काम नहीं हो पाया। ये नहीं कह रहा कि पहले के अध्यक्षों ने काम नहीं किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले उनको मौका नहीं मिला था, समय नहीं मिला था। एक बड़ी बात मैं आपके सामने बताता हूँ कि मुझे कल कुछ लोग हमारे इसके माटी कला से जुड़े हुए लोग हैं बोले साहब किसान का बीमा है, मोटरसाइकिल का बीमा है, हर चीज़ का बीमा है, लेकिन इनके जो कामगार हैं इनके किसी जो आवा कजावा के अंदर ईंटे पकाते हैं, मटके पकाते हैं, या इसी तरीके से जो पोल्ट्री के अंदर काम के अंदर कोई भी इनके नुकसान का इनका कोई बीमा नहीं है। तो बोले साहब हमारे तो नुकसान हो गया, बरसात आ गई तो भी हम तो किसी के तो बरसात आने से खुशी होती है, हमारे तो बरसात आते ही ओले पड़ जाते हैं हर बरसात के अंदर। तो ये ऐसी जो समस्याएं हैं, देखो ये इस उद्योग छोटे उद्योग बहुत छोटे छोटे लोग, एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी जाति विशेष के लोग और अनेकों अनेक समुदाय के लोग, ये अकेला काम नहीं है कि सिर्फ एक बिरादरी के लोग हैं, इसमें 36 बिरादरी के लोग इस काम को कर रहे हैं, दूसरे बोर्ड भी बने हुए हैं। उसी तरीके से ये एक
सरकार का हिस्सा है कि इसके तहत इसकी जिम्मेवारी मेरे को दी है, मैं इसके कल्याण के लिए जो इतना भी मन पड़ेगा काम करूँगा।